नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर में जिलाधिकारी ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने का किया आह्वान। खबर देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर से है, जहां जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना अंतर्गत 24 अगस्त बरोज गुरुवार को महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित राखी सहित विभिन्न स्थानीय उत्पादों की बिक्री हेतु विकास खंड मुख्यालयों तथा नगर निगम रुद्रपुर में विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, उत्पादों को मार्केट उपलब्ध कराने तथा नागरिकों को स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता एवं महत्ता से रूबरू कराने के लिए स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकास खंड कार्यालय गदरपुर में 13 स्व सहायता समूहों, काशीपुर 14 स्व सहायता समूहों, विकास खंड रुद्रपुर के सरस मार्केट, विकास भवन, मेट्रोपोलिस मॉल, नगर निगम परिसर में 9 स्व सहायता समूहों, विकास खंड प्रांगण जसपुर में 11 स्व सहायता समूहों, बाजपुर के राम भवन धर्मशाला में 14 स्व सहायता समूहों, विकास खंड सभागार सितारगंज में 17 स्व सहायता समूहों, विकास खंड खटीमा के विकास खंड कार्यालय थारू विकास भवन में 17 स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से इस प्रदर्शनी में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों का अवलोकन करने तथा गुणवत्ता के आधार पर स्थानीय उत्पादों की प्राथमिकता खरीदारी करने का आह्वान किया। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। स्थानों पर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित राखी, अचार, मसाले, टेडी बियर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, शुद्ध शहद, पापड़, दाल बड़ी, रुई बाती, हस्त निर्मित दलीप, टोकरी, जूट बैग आदि विभिन्न उत्पादों की बिक्री हेतु समुचित बाजार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उत्पादों की बिक्री, उत्पादों की दिनांक 24/8/23 को जनपद के विभिन्न विकास खंडों में प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त रुद्रपुर में 4 स्थानों पर क्रमशः सरस विपणन केंद्र काशीपुर रोड रुद्रपुर, मेट्रोपोलिस सिटी परिसर रुद्रपुर, नगर निगम परिसर रुद्रपुर एवं विकास भवन परिसर में भी प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जनपद वासियों से अपील है कि कृपया महिला स्वयं सहायता समूहों का उत्साह वर्धन करने के लिए 24/8 को आयोजित कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विकास खंडों के अतिरिक्त रुद्रपुर के उक्त चारों स्थलों पर प्रदर्शनी स्टॉल पर पधार कर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को क्रय करने का कष्ट करें। ये योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग स्थानीय उत्पादों को जो महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हैं उनको क्रय करें और अपने जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको सफलतापूर्वक मनाएं।